खाने में स्वाद का चटपटा तड़का जोड़ने वाले बन छोले की बात ही अलग है। भारत में स्ट्रीट फूड ने अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। छोटी सी भूख को कम करने के लिए एक प्लेट बन छोले आ जाए ऐसा दिन बन जाता है। और आज हम आपको लेकर चल रहे ऐसी शॉप पर जहां पर भैया ने छोटे से कार्ट से अपने हाथों का जादू बिखेर रखा है। हर कोई यहाँ पर आता है इनके बन छोले खाने के लिए। कितने रुपए में आप देते हैं? पत्ते में देते हैं? कितने रुपए? 20-30 रुपए का। अच्छा, ये आपका प्राइस लिस्ट है। अच्छा, ये आप लगाते कहाँ हैं? एड्रेस बता दीजिए। हनुमान मंदिर के पास। पूरा एड्रेस बताइए। अमीनाबाद क्या लगता, क्या ये अमीनाबाद ही लगता है? और ये टॉकेज कौन से लगती है? शायद ये मेरा टॉकेज। मेरा टॉकेज, मेरा टॉकेज के पास आप लगाते हैं? लैंडमार्क के लिए हम ऐसे किस्मत में हमारे तुम लॉगिन में ही लिखी है इतना टाइम से, समझ रही हो? अच्छा है, हम भी नहीं हैं। अच्छा, ये भिगा के देते हैं आप? यही हालत है, दोनों इधर दिखा देगा। अच्छा भाई, भाई मिर्चा डाल दे हरा। नहीं दीजिए हमारे लिए बन छोला। हाँ बन छोला लगा दीजिए, कोई बात नहीं। अमूल बटर का यूज करते हैं आप? इसका क्या प्राइस है? इसका 35 रुपये। 35 रुपये? अच्छा जी। ये हाथ, बहुत बहुत शुक्रिया। बन सोहाल अमूल मक्खन, चलें स्टार्ट है। तो जी हमें यहाँ पर मिल गया है बन सोहाल मटर, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा ट्राई कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, इस पर अमूल बटर का यूज़ किया जाता है। तो चलें एक बाइट लेते हैं, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। मसाले बहुत अच्छे से उस पर भैया ने डाल रखे हैं, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, और अमूल बटर का भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो अगर आपको भी ट्राई करना है तो आ जाइएगा भैया की शॉप पर। टाइमिंग है सुबह 12 बजे से रात 9 बजे तक, थर्सडे इनका बंद रहता है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप आ जाइएगा।